ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल मसाला क्वीन तो आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर और आप लोग कैसे हो आशा करती हूँ बिल्कुल स्वस्थ मस्त और खुश होंगे तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं भेज चाउमीन वो भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से बिल्कुल स्ट्रिक्ट में जैसा मिलता है ना बिल्कुल वैसा तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है कुकर उसमें डाला है हल्का सा नमक फिर हल्का सा ऑयल और अब डालेंगे हम इसमें नूडल्स तो दोस्तों मैं यहाँ पर नूडल्स डाल दे रही हूँ तो देखिए मैं डाल दी और थोड़ा देर तक इसे कुक कर लेते हैं मतलब पका लेते हैं चार से पाँच मिनट तक इसे होने देते हैं तो दोस्तों इसमें जब उबाल आ जाएगा तो इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे हम कि ये हुआ कि नहीं बस हल्का सा ही उबाल आना है तो दोस्तों अब हम चाउमीन को क्या कर हम जो नूडल्स है ना उसे क्या करते हैं उसका पानी निकाल लेते हैं तो एक इस टाइप का बर्तन लिया है जिसमें कि बिल्कुल होल है नीचे तरफ से और उसमें मैंने इसे डाल के ठंडे पानी से भी धो लिया अब इसमें हल्का सा ऑयल डाल दीजिए ताकि ये जो है ना एक दूसरे में चिपके नहीं और अच्छे तरह से ये आ, मतलब अच्छा लगे टेस्ट बढ़ता है और आ, सारा खिला खिला तरह का रहता है कोई भी चिपकता नहीं है तो दोस्तों इसमें हल्का सा ऑयल देके इसे साइड रखती हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है गाजर लिया है जैसे कि आपको दिख रहा होगा गाजर बारीकी से कट कर लिया है और अनियन लिया है और काफ़ी तरीके के चीज़ लिए हैं मैं आगे बता रही हूँ दोस्तों तो यहाँ पे मैंने क्या किया है पेन रखा है पेन पर पे हल्का सा ऑयल डाल दी ऑयल डालने के बाद सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे और जो हरी मिर्च होती है ना वो डालेंगे तो बिल्कुल बारीकी कट कर लिए हैं दोस्तों और उसे हम पका लेते हैं तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ और फुल वीडियो वॉच करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो चाउमीन बनाने में तो दोस्तों इसे पकने के बाद हम इसमें नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे तो देखिए अब हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुका है तो इसमें हम सबसे पहले अनियन डाल देते हैं बिल्कुल बारीकी कटा हुआ अनियन डाल दिए हैं दोस्तों हल्का सा शिमला मिर्च डाल देते हैं इसे भी पतली पतली आ, स्लाइस में कट कर लिया है और गाजर डाल देते हैं गाजर को भी पतली पतली स्लाइस में कट कर ली है तो दोस्तों सभी को डालने के बाद थोड़ा दिन रोस्ट कर लेंगे ज़्यादा नहीं पकाएंगे डीप फ्राई नहीं करना है बिल्कुल हल्का सा सिर्फ़ इसका कच्चापन हल्का दूर हो जाए बस इतना ही थोड़ा देर ही पकाना है दोस्तों जैसे एक से डेढ़ मिनट तक और हाई फ्लेम पे करें तुरंत हो जाएगा तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे तरीके से सब्जियाँ हो चुकी है देखिए जैसा कि आपको दिख रहा होगा रोस्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है तो अब इसे हम साइड कर देते हैं तो दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा कि सब्ज़ी जो है मैंने डीप फ्राई नहीं किया है क्योंकि जो आप स्ट्रीट पे भी खाते होंगे तो आपको दिखता होगा ऐसा ही अब हम क्या करते हैं कर देते हैं फ्लेम को लो और डालते हैं इसमें सबसे पहले सोया सॉस अब हम डालते हैं इसमें चिल्ली सॉस रेड चिल्ली सॉस होता है ना दोस्तों वो हम डाल रहे हैं तो इसमें मैंने रेड चिल्ली सॉस डाल दी अब इसमें डालेंगे टमेटो सॉस तो दोस्तों टमेटो सॉस तो सभी के घर में रहते हैं सभी तरह के सॉस रहते हैं दोस्तों आप सभी तरह के सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल हो डाल दें मैंने यहाँ पे चिल्ली और टमाटो और सोया सॉस डाल दी है तो दोस्तों इसे मिक्स कर देते हैं ताकि सब्जियों के साथ सॉस अच्छी तरह से घुल मिल जाए एकदम मिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छे से तो दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारा सॉस और सब्ज़ी कितनी अच्छी तरह से मिल गई है बिल्कुल दोस्ती बना ली है एक दूसरे से तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट चलेंगे सबसे जो हमने चाउमिन मतलब नूडल्स को जो है ना अच्छे से रखा था ना थोड़ा सा इसको मतलब पानी बिल्कुल अच्छी तरह से इसका हट जाए और हल्का सा ऑयल देके तो बस अब उसे डाल देंगे देखिए कितना अच्छा से ये मतलब ठीक हो गया बिल्कुल पानी इसका हट गया है सूखा सूखा हो गया तो अब ये ठीक लगेगा खाने में तो दोस्तों इस पर हल्का सा नमक डालेंगे बिल्कुल स्वाद अनुसार ब्लैक पेपर पाउडर डाल दे दोस्तों देखिए मैं यहाँ डाल दे रही हूँ तो डाल दी हूँ अब कर देते हैं इसे मिक्स तो दोस्तों सभी सब्जियों को सॉस को आ, इनके साथ मिल्क कर देते हैं और नूडल्स के साथ काफ़ी अच्छे से मिक्स करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच लिया है ये काटे वाले चम्मच ताकि ये मुझे इजी पड़े इसे मिक्स करने में क्या होता है ना कि इससे जो आप मिक्स करोगे तो इससे हो नहीं पाता है तो थोड़ा सा काटे वाले से हेल्प ले सकते हो तो दोस्तों इसे मिक्स कर दिए मैंने देखिए मैं तो आपको करके दिखा दे रही हूँ इसी तरीके से आप मिक्स कर सकते हैं तो बाजार में भी तो ऐसे ही मिक्स किया जाता है तो खैर उसके पास बड़ी बड़ी रहते हो चम्मच मेरी बात छोटी वाली है तो उसी से कर ले रही हूँ तो दोस्तों इस तरह से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा भेज चाउमिन बनकर तैयार है तो दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको ये अच्छा लगा या नहीं लगा और बना के देखिएगा कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रेसिपी के साथ और आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय